नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूँ आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है एमएस डॉस। दोस्तों एमएस डॉस से एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी एग्जाम हो आपको एमएस डॉस पे से क्वेश्चन तो लगभग पूछे ही जाते हैं। इसलिए आज के जो एमएस डॉस का जो क्लास है उसमें मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स, इसमें कौन कौन सी फाइल्स होती हैं और इसके कुछ और चीज़ें टर्म्स जो जो क्या कैसे काम आती हैं, वर्जन कौन कौन से, सब चीज़ें हम आज की क्लास में करेंगे। इसके बाद हम सेकेंड क्लास में करेंगे इसके इंटरनल कमांड्स और थर्ड क्लास में करेंगे हम इसकी एक्सटर्नल कमांड। तो इन तीन क्लास के अंदर ये पूरा आपका एमएस डॉस कंप्लीट हो जाएगा, जो किसी भी नॉर्मल एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछा आता है तो आपको इससे बाहर नहीं पूछा आता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस सीरीज को, तीनों लेसन को गौर से देखिए, ठीक है। और साथ में आपको मैं भी कहता हूं, अगर आपके लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस डॉस की आज पहली क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एमएस डॉस की, तो एमएस डॉस की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि एमएस डॉस की हिस्ट्री में क्या क्या है। ये सब इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि हिंदी में मुझे नहीं लगता है कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ना ज्यादा औचित्य रहता है। तो कई चीजें ऐसी होती है वो हमें इंग्लिश में ही बोलनी पड़ती है, इंग्लिश में ही लिखनी पड़ती है। तो आपसे सबसे बेटर ये चीज है कि मैं वीडियो है वो आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, तो हिंदी में वीडियो है लेकिन आपके सामने इंग्लिश है, तो जो इंग्लिश में ही ज्यादा सुटेबल है या फिर जो हिंदी में ज्यादा सुटेबल नहीं है, तो दोनों के लिए मिक्सअप हो गया। तो अगर आपको हिंदी आती है तो आप मुझे जिस पर्सन बोल रहा हूँ आप समझ सकते हो, और इंग्लिश आती है तो आप पढ़कर भी इसको समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस डॉस के बारे में। तो देखो एमएस डॉस दोस्तों ये इसकी जो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री स्टार्ट के अंदर सबसे पहले देखिए कि है क्या ये। एमएस डॉस स्टार्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट का ही बताने की जरूरत नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट आज सबसे बड़ा नाम है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, जो बिल गेट्स हैं जिनके ओनर है, जो आज सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर सेल करने वाली कंपनी वो माइक्रोसॉफ्ट ही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो ये जो यूज किया था वो बेसिकली किसके लिए यूज किया था, पीसी के लिए यूज किया था। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, क्या है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जिन जिनको मैं ऐसे राउंड कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप नॉर्मल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जस्ट एज ए कैजुअल यूजर की तरह इसका नॉलेज लेना चाहते हो तो भी आप इन चीजों पर ध्यान दे सकते हो, तो ठीक है। तो क्या है एमएस डॉस, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। 1979 से कहानी स्टार्ट होती है, एक स्मॉल कंपनी थी जिसका नाम था सीटेल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स। सीटेल बोलती है कभी सीटेल बोलती है, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स है जो उसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसको बोलते हैं ओडोस। डॉस नहीं था, उसका नाम क्या था, ओ डॉस। आईबीएम ने इसको परचेज किया और उस समय उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया। तो मतलब आईबीएम तो देखो सबसे पहली कंपनी आईबीएम ही थी जो कंप्यूटर को लेकर आई थी, बाद में माइक्रोसॉफ्ट आई थी। तो आईबीएम ने बाद में माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिलाया और कहा कि हम एक ऐसा नया प्रोडक्ट निकालते हैं जो हमारे पीसी के लिए काम आएगा। तब आईबीएम ने अपने पीसी के लिए 1981 के अंदर एक नया नाम से एक नया जो डॉस का वर्जन निकाला, उसे बोलते हैं एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलते हैं वर्जन 1.0। तो स्टार्टिंग कहानी कहां से स्टार्ट होती है, 1979 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये दोनों कंपनियां साथ में काम कर रही थी। उसके बाद उन्होंने 1983 में 2.0 वर्जन इन्होंने लॉन्च किया था, जो डिजाइन में थोड़ा इसका जो इम्प्रूवमेंट था, हर वर्जन में पता वो कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होता है। आगे अपनी सब वर्जन के बारे में बात भी करेंगे कि किस वर्जन में कौन सा इम्प्रूवमेंट हुआ था। अच्छा, मैं जो वर्जन बताऊंगा आगे वो सब बेसिक बेसिक बताऊंगा जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं और जिनमें रियल में कुछ वो कहते हैं ना एडवांस चीज हुई थी, जिनमें कुछ भी नहीं हुआ था उनको मैंने शामिल नहीं किया हुआ, ठीक है। इट वॉज मेड फॉर पीसी अनाउंस बाई आईबीएम, जो बताया मैंने सबसे पहले आईबीएम ने पहल की थी, तो आईबीएम ने अपने पीसी के लिए सबसे पहले उसको अनाउंस किया था। इट इंट्रोड्यूस फिक्स्ड डिस्क फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग करना, डिस्क में बैकअप देना, फिल्टर कमांड्स लगाना, इन सब चीजों की इसमें शुरुआत हो चुकी थी एमएस वर्ड जो डॉस है वर्जन 2.0 के अंदर। उसके बाद दोस्तों एमएस डॉस का जो इन्हांस वर्जन है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा था क्वेश्चन, वो है कि इसका जीयूआई बेस्ड वर्जन कौन सा है, तो वो है 7.0। एमएस डॉस 7.0 है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फैसिलिटी उसके अंदर थी, बाकी क्या है सीयूआई, ठीक है। अब 91 में क्या हुआ, 91 में इन दोनों का टाइप टूट गया, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट क्या हो गए, अलग अलग हो गए, इन दोनों का टाइप टूट गया। टाइप टूट गया तो भाई आईबीएम तो अपना दूसरे ओएस पे काम, ओएस 2 नाम से शायद ओएस था उनको, उस पर काम करने लग गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नए नाम से एक सीरीज निकाली, उसको आप अच्छी तरह जानते हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद उन्होंने विंडो पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये बेसिक छोटी सी हिस्ट्री थी, बाकी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो आप तो विकीपीडिया पढ़ सकते हो, बहुत हिस्ट्री है इसकी। अब बात करते हैं वर्जन ऑफ डॉस के, डॉस के कौन कौन से वर्जन है, उसके बेसिक फीचर्स क्या है। सबसे पहले 1981 के अंदर डॉस 1.1 जो लॉन्च हुआ था उसके अंदर क्या था, रीनेम वर्जन ऑफ क्यूडोस क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा था क्यूडोस की फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो क्यूडोस पहले था उसका एक नया वर्जन बनाकर उन्होंने डाल दिया इसको डॉस 1.1, विच वॉज परचेस्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम सीटेल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स। बताया था मैंने कंपनी जो पहले कंपनी थी उससे परचेज किया था, तो उसका जो पहले बार प्रोडक्ट था उसका पूरा नाम क्या था, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
1982 के अंदर डॉस है जो 1.25 इसका वर्जन लॉन्च हुआ, जिसमें क्या होता, सपोर्टेड यूज ऑफ डबल साइडेड डिस्क, मतलब दोनों तरफ से अपने डिस्क को यूज कर सकते थे, दोनों तरफ से उसमें डेटा हम स्टोर कर सकते थे। फिर है 1983 में डॉस 2.0, ये सपोर्ट करता था आईबीएम की 10 MB की हार्ड डिस्क को सपोर्ट करता था, फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क सपोर्ट करता था वो कौन सा, 1983 में आया था डॉस 2.0। फिर 1984 के अंदर क्या हुआ, सपोर्ट फॉर हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क, 5.25 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क फर्स्ट टाइम यूज करता था डॉस 3.0 में। 1987 के अंदर 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क साथ में पार्टीशन अलाउ करते, हार्ड डिस्क के अंदर आप पार्टीशन भी कर सकते थे, तो ये कब हुआ था 3.3 डॉस वर्जन में 1987 में। फिर 1991 में 5.0 लॉन्च हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ था, एक टेक्स्ट एडिटर इसमें डाला गया था जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, तो वो कब हुआ था डॉस 5.0 में। ये देखो क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्स्ट एडिटर फर्स्ट टाइम डॉस के किस वर्जन में लॉन्च हुआ था, तो डॉस 5.0 में। फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क में पार्टीशन डॉस के किस वर्जन में लॉन्च हुआ था, डॉस 3.3 में। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों को राउंड कर दिया। फिर डॉस 6.0, इसके अंदर डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी डाली गई थी, एंटीवायरस प्रोग्राम, ये क्वेश्चन पूछा था अक्सर एग्जाम के अंदर कि एंटीवायरस प्रोग्राम डॉस में फर्स्ट टाइम कब इजाद किया गया था या कब उनको फीचर को लागू किया गया था, वो था डॉस 6.0। ठीक है, उसके बाद में 7 है और 7.1 है। 7 वर्जन था वो था पार्ट ऑफ एमएस विंडोज 95 का, 95 जो विंडोज 95 थी उसका एक वर्जन था डॉस 7.0। ठीक है, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा था कि फैट 32 हार्ड डिस्क है वो कब से सपोर्ट होनी चालू हुई थी, वो थी डॉस 7.1 से। सपोर्ट फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, फैट की फुल फॉर्म है 32 हार्ड डिस्क एंड इज पार्ट ऑफ लेटर वर्जन ऑफ एमएस विंडोज 95, और आगे भी चलता था। ठीक है, तो यहां तक डॉस का सफर खत्म हो चुका था। अब बात करते हैं डॉस के पार्ट्स के बारे में कि डॉस किस प्रकार से बना हुआ है। तो देखो, द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर स्टोर्ड ऑन सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, नॉर्मली फ्लॉपी डिस्क, उसमें फ्लॉपी डिस्क चला करती थी इसलिए फ्लॉपी डिस्क पे वो स्टोर हुआ करता था। इट इज देन लोडेड इनटू रैम व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होती थी रैम के अंदर लोड होता था, क्योंकि पता है आपको कोई भी चीज होती है वो रैम में आती है, उसके बाद ही कंप्यूटर में चलती है। और रैम कौन सी मेमोरी होती है, रैम वो मेमोरी होती है जिसका डेटा जब तक ही सेव रहता है जब तक हमारे कंप्यूटर में ऑन रहता है, जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ रैम में से मेमोरी भी सारी डिलीट हो जाती है। द डॉस सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, इस पूरे सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है, और जिस पार्ट पर यानी जिस डिस्क के अंदर ये तीनों पार्ट रहते हैं, 3 फाइल के रूप में 3 पार्ट रहते हैं, उस डिस्क को बोलते हैं बूटेबल डिस्क। ये बूटेबल डिस्क, अक्सर क्वेश्चन पूछता है बूटेबल डिस्क क्या होती है, तो बूटेबल डिस्क मतलब जो डॉस की जो सारे जो सॉफ्टवेयर वो 3 फाइल्स के अंदर बटा हुआ, तीनों फाइल जिस डिस्क पे रहती है उसे बोलते हैं बूटेबल डिस्क। अभी 3 फाइलें कौन कौन सी, इनके बारे में पूछा था, io.sys सिस्टम फाइल, sys का मतलब सिस्टम फाइल, ms.sys और command.com, ये 3 फाइलें हैं। io.sys क्या करती है, इट कंटेन्स द डिवाइस ड्राइवर, जैसे अपने ड्राइवर्स होते हैं कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, मॉनिटर के लिए, वो सारी डिवाइस के जो ड्राइवर्स है वो कौन स्टोर रखती है, io.sys, क्योंकि इसका नाम ही देखो इनपुट आउटपुट, तो वो डिवाइस जो इनपुट आउटपुट काम करेगी उनके जो ड्राइवर्स है वो सब स्टोर कौन रखेगा, io.sys। देख लो कीबोर्ड, डिस्क, फ्लॉपी, प्रिंटर एंड मॉनिटर आर प्रेजेंट, ये सब क्या है, कौन रखता है इसके ड्राइवर्स, io.sys, इसको आप बेसिकली बोलते हो, अब आप समझ जाओगे इसका नाम अक्सर क्या, BIOS, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिकली ये डिवाइस ड्राइवर्स है उनको क्या बोलते हैं, BIOS। फिर आता है MS-DOS.SYS, इसके अंदर क्या होता है, ये होता है कर्नेल, दो चीज होती है, एक तो कर्नेल होता है एक शेल होता है। तो पहले कर्नेल क्या होता है, जो बेसिकली कर्नेल इज द ऑल द मॉड्यूल्स फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब जो सारा जो प्रोसेस करने का तरीका होता है डॉस का वो सारा सारा इस फाइल के अंदर रहता है, कि कैसे पूरे सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से प्रोसेस करेगा, वो सारे मॉड्यूल्स यानी जो एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम है वो सब उसके अंदर स्टोर रहते हैं। तो ये इसका जो मेन मतलब दिमाग हो गया जो बेसिकली सारा काम करता है। दीज मॉड्यूल्स आर रिटन इन मशीन इंडिपेंडेंट मैनर, मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक ही मशीन पर नहीं चलते, मशीन इंडिपेंडेंट है, हर किसी सिस्टम चल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट MS-DOS.SYS, देखो जैसे डॉस कर्नेल बताया मैंने आपने, वैसे एक डॉस सेल भी होता है, तो मतलब एक होता है कर्नेल और एक होता है शेल। तो कर्नेल के जो काम बेसिक काम है वो क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस को मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना और एक इंटरफेस प्रोवाइड करना। अब ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस को बोलते हैं MS-DOS प्रोवाइड्स ए कमांड लाइन CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, और इसको बोलते हैं command.com, तीसरी फाइल।
ये देखो तीसरी फाइल ना command.com, ये तीसरी फाइल। तो जो शेल होता है मतलब इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस उसको बोलते हैं शेल। तो एमएस डॉस के शेल को क्या बोलते हैं, command.com। तो तीन फाइलें मिलकर एमएस डॉस का सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट होता है, और जहां पर तीनों फाइलें स्टोर की जाती है उसको बोलते हैं बूटेबल डिस्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर बताया कि इस एमएस डॉस में 70 या उससे भी ज्यादा कमांड्स हैं जो दो पार्ट में बांटी गई है, इंटरनल और दूसरी कौन सी होगी, एक्सटर्नल। अगले जो लेसन में उसमें हम करेंगे पहले इंटरनल कमांड्स सारी विद एग्जांपल, उसके अगले लेसन में करेंगे एक्सटर्नल कमांड्स विद एग्जांपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज पोस्ट, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये क्या होता है। तो ये बेसिकली जैसे ओलिवल हो गया या बड़े एग्जाम, ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां रिटर्न में होता है वहां पे भी पूछा जाता है, या फिर अगर आपको सिंपल इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में होता क्या है। द पोस्ट बिगेंस द बूटिंग इन योर पीसी, इसका मतलब हो गया कि आपके कंप्यूटर में बूटिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होता है तो कैसे होता है, वेन यू टर्न ऑन योर पीसी द पावर सप्लाई टू द पीसी वेक्स अप द प्रोसेसर, जैसे ही पावर सप्लाई होती है प्रोसेसर को वेक्स अप करती है, मतलब प्रोसेसर एक्टिव हो जाता है। एंड लुक्स फॉर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, और स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है उसके लिए वो देखता है। और ये सारे कहां पे होते हैं, रोम के अंदर। ये क्वेश्चन शायद अभी आईए में भी आया था कि ये स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन कहां पे सेव होते हैं, तो रोम में होते हैं। तो ये सारे दीज स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द रोम बायस। फिर क्या होता है, द पोस्ट बिगेन्स एंड द चिप डबल चेक्स, चिप डबल चेक्स देयर ओन कोड अगेंस्ट द सेम कोड स्टोर्ड इन द मेमोरी, मेमोरी के और खुद के कोड्स को ये चिप जो होती है जो लगी होती है सिलिकॉन चिप, ये चेक करते हैं डबल चेक के दोनों कोड सेम है। अगर सब कुछ सेम रहता है तो पोस्ट आगे चलता है, मतलब ये जो प्रोसेस है वो आगे जाती है। फिर ये अपने सारे कंप्यूटर के पोस्ट चेक कर, टेस्ट फॉर ऑल पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट्स जो होते हैं, आपने मेरे पुराने वीडियो में अगर नहीं पढ़ा हुआ तो उसमें दे रखा है मैंने सीरियल पोर्ट्स क्या होते हैं, जहां पे एक एक बिट ट्रांसफर होता है, किसी में 8 बिट एक साथ ट्रांसफर होते हैं, तो सीरियल पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, उन सबकी जांच करता है कि वो सही है या नहीं काम कर रहे, दे आर वर्किंग और नॉट। फिर ये क्लॉक चिप को जांच करता है, उसके बाद में वीडियो अडैप्टर के अंदर ये जाता है, वहां से ये आप बाद में चेक करेगा कि रैम के अंदर सारा काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये रैम के अंदर क्या है, कुछ चीजें लिखेगा, मतलब राइट्स द डेटा इन द रैम चिप्स एंड रीड्स इट बैक फॉर द चेकिंग एक्यूरेसी, ये चेक करने के लिए कि जो चीज रैम में लिखी जा रही है वापस वहां से रीड हो भी रही है क्या, कनेक्शन प्रॉपर है क्या, तो इस चीज को चेक करेगा। उसके बाद में देन इट चेक्स फॉर फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क को चेक कर लेगा या हार्ड डिस्क को चेक करेगा जहां पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है, एंड उसके बाद में एक्चुअल बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए लोड करता है। तो ये होता है सारा काम पोस्ट। ठीक है, तो ज्यादा इसको समझने वाली जरूरत नहीं है, बस बेसिकली इसलिए मैंने थोड़ा सी थ्योरी लिख दी ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि होता क्या है। क्वेश्चन बेसिकली पूछा आता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगला चलते हैं फाइल्स की, डॉस के अंदर फाइल्स क्या क्या होती है। फाइल्स आपको पता है सबको, फाइल्स इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बनाई जाती है, डेटा होते हैं जो कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस सच एज मैग्नेटिक टेप डिस्क, इनके जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो चीज बनाई जाती है उसे बोलते हैं फाइल्स। दीज फाइल्स इज यूज टू स्टोर ओनली वन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक प्रकार से सिंपल इन्फॉर्मेशन, एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए फाइल्स का यूज किया जाता है, लेकिन अलग अलग प्रकार के अलग अलग फाइल्स होते हैं। तो मैंने इनमें कुछ फाइल आपके सामने डाली है, तो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ फाइल्स हैं जो पूछी जाती है, लेकिन उनका मुझे लगभग आपको लगभग मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है, इसलिए वो मैंने शामिल नहीं किया, जैसे DOC होगी, JPG होगी, सबको पता है। तो थोड़ी कुछ अलग हटके थी वो मैंने डाल दी, जैसे .c है, सी की सोर्स प्रोग्राम फाइल्स, यानी सी का कोड जहां पर लिखा हुआ है वो फाइल, FT यानी फोर्टन की, PES यानी पास्कल की, OBJ ऑब्जेक्ट फाइल होगी, .exe एग्जीक्यूटिवल फाइल होगी, .bat यानी बैश फाइल होगी, .ba के बैकअप फाइल होगी, .dat डेटा फाइल होगी, .web यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज साउंड फाइल होगी। ठीक है, तो ये हैं सारी जो कुछ बेसिक फाइल्स जो आपको बताई मैंने। चलते हैं आगे कि फाइल नेम किस प्रकार से डॉस में रखा जाता है। देखो, तो फाइल नेम होता है उसमें 8 अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स आप डॉस में रख सकते हो, और साथ में एक ऑप्शनल एक्सटेंशन रख सकते हो जैसे, और ये तो एक्सटेंशन आपने देखा होगा .htm और .html में जो कन्फ्यूजन चलता है कि आप कोई भी यूज कर सकते हो, उसका रीजन ये था कि पहले .3 अक्षर तक के ये एक्सटेंशन रखे जाते हैं, इसलिए .htm भी लोग यूज करते हैं, .html भी यूज करते हैं। तो वहां पे डॉस में भी स्टार्ट हुआ था, तो 8 कैरेक्टर आप रख सकते थे, वो भी अल्फा न्यूमेरिक होते थे, और एक एक्सटेंशन रखते थे जिसके भी जो 3 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता था वो एक्सटेंशन, इसके बीच में लगता है पीरियड डॉट जो इन दोनों को अलग करता था। तो जैसे बताया ना आपको abc.txt फाइल, तो वो डॉट क्या हो गया, दोनों को सेपरेट करता था। अब इसमें नाम रखने में क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं आप, ए से लेकर जेड, बड़ी ABCD, छोटी ABCD, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, 0 to 9, और ये कुछ कैरेक्टर्स, इनको आप यूज कर सकते थे जिसके आपका फाइल नेम रख सकते थे। अब इसके बाद में आती है डायरेक्टरी।
तो डायरेक्टरी क्या होती है, फाइल्स जहां पर स्टोर रहती है वो क्या कहलाती है आपकी डायरेक्टरी। मतलब एक डायरेक्टरी में बहुत सारी फाइल्स आप एक साथ में स्टोर रख सकते हो। ए डायरेक्टरी कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ फाइल्स। तो मतलब फाइल्स को एक प्रॉपर रूप से रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्टरी करते हैं। और बेसिकली आप जिन्होंने डॉस यूज किया हुआ है उनको पता है कि डायरेक्टरी में बहुत ज्यादा काम होता है। चेंज डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, बहुत से कमांड्स आगे पढ़ेंगे हम, तो वो डायरेक्टरी बनाने के लिए काम आती है। अब देखो डायरेक्टरी भी क्या, जैसे फाइल नेम से उसी प्रकार से डायरेक्टरी भी क्या होती है, 8 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इसमें नाम के अंदर हम दे सकते हैं। और इस डायरेक्टरी को आगे 3 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है। पहला है करंट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी। इसको समझने के लिए मैंने डॉस की कमांड लिखी है सी, यहां पे मैं लिख दिया टीसी, एक लिख दिया अमित। तो देखो सी है ये, तो क्या हो गया हमारी सी ड्राइव। ये जो लगा हुआ है बैक स्लेस, इसको बोलते हैं बैक स्लेस सी। यहां पर जो कभी भी ध्यान रखना, डॉस में जब लगाते हो कभी ये नहीं लगता, हमेशा बैक स्लेस लगता है, फिर ऐसे लगता है, ठीक है। तो ये जो है ये गलत होता है, तो हमेशा ध्यान रखना बैक स्लेस लगेगा। तो सी तो ड्राइव हो गया, ये हो गया हमारा बैक स्लेस। जो बैक स्लेस है इसका मतलब ये क्या है, रूट डायरेक्टरी, यानी इसके पीछे भी कोई है जो चीज थी वो हमारी क्या कहलाएगी, रूट डायरेक्टरी। उसके बाद में टीसी, यानी यहां पे हम काम कर रहे हैं, ये होगी हमारी करंट डायरेक्टरी। और अमित होगी सब डायरेक्टरी वो फाइल। तो ये 3 प्रकार से होगी, करंट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी। इस प्रकार से तीनों डायरेक्टरी को हम चेंज करते हैं। फिर हम देखो ऐसे लगाते हैं कमांड सीडी डॉट डॉट एक डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए। तो एक अपर डायरेक्टरी, तो अमित डॉट के अमित के बाद में सीडी डॉट डॉट निकाल दिया, तो हम इससे बाहर आ जाएंगे, टीसी में आ जाएंगे। आगे करेंगे हम इस प्रकार के कमांड, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड्स के अंदर ये सारी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है आपका मेन जो क्वेश्चन पूछा था, किस प्रकार से बांटी होती है, करंट, सब और रूट डायरेक्टरी। इसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के बारे में। ये अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, और इस क्वेश्चन में बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि डॉस में कितने वाइल्ड कार्ड्स यूज कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड होता क्या है, इसको सिंपल यहां से समझोगे, ये चीज मैंने डाली नहीं, आप समझोगे DEL star dot star। तो ये star dot star का मतलब आपने कई बार सर्च भी करते हैं विंडोज के अंदर हम, कि आप सब प्रकार की चीजें, तो डेल स्टार डॉट स्टार का मतलब जितनी भी फाइल्स है सब कुछ, सब जितना भी है ना सब कुछ डिलीट मार देगा, इसके मतलब स्टार डॉट स्टार मतलब सब कुछ। मीन्स सिंगल कैरेक्टर रिप्लेसमेंट, और एक दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क, मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जितनी बार क्वेश्चन मार्क लगाओगे, एक क्वेश्चन मार्क का मतलब एक कैरेक्टर, दो क्वेश्चन मार्क मतलब दो कैरेक्टर, स्टार मतलब लगा दिया तो आपका मतलब सारे कैरेक्टर। तो स्टार डॉट स्टार का मतलब हो गया सब कुछ। और यहां पर देखो एक लिखिए DIR, आगे दो क्वेश्चन मार्क एम डॉट सी। तो ये क्या करेगा, ये कमांड हमें डायरेक्टरी करता है, मतलब शो करने कितनी फाइलें शो करवाएगा, और किसकी करवाएगा, जिसमें स्टार्टिंग में दो नाम तो कुछ भी, दो अक्षर तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आगे के जो दो हैं वो क्या होंगे, एम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल POAM डॉट सी, ये हो गया, तो ये फाइल हमें शो कर दिया, क्योंकि आगे का दो क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, एम डॉट सी होना चाहिए, एक्सटेंशन डॉट सी होना चाहिए, तो ये अपने को शो कर देगा। इस प्रकार से इनको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, इनको हम किसी भी कमांड के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट चीज एक होती है पाइपिंग। पाइपिंग क्या होता है, इस प्रकार से ये और ये इस प्रकार से एक खड़ी लाइन होती है, इसको बोलते हैं पाइपिंग। ये क्या करती है, पाइपिंग टेक्निक, हम डॉस के अंदर से कमांड्स लिखते हैं, तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक कमांड लिख दी और यहां पर एक कमांड लिख दी, मतलब मल्टीपल कमांड्स को एक साथ में लिख सकते हैं। तो वहां पे हम कोमा नहीं लगाते, वहां पे क्या लगाते हैं, ये खड़ा डंडा जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइपिंग, इसको बोलते हैं पाइप, इसको बोलते हैं सिंबल होता है इसका ये। तो पाइपिंग टेक्निक परमिट्स अस टू कंबाइन मल्टीपल कमांड्स ऑन ए सिंगल कमांड, ठीक है। तो ये होता है पाइपिंग। तो दोस्तों ये छोटी सी मैंने बताया था डॉस के बारे में, जो एग्जाम्स के रिकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो मैंने आपको सब बता दी, कि एग्जाम में ये चीजें आपके सामने आ सकती है, कोई भी एग्जाम हो। मैं बात नहीं कर रहा आईए की, कोपा की, LDC टेस्ट की, SSC की, बैंक्स की, जो भी एग्जाम है उस एग्जाम में इनसे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इसके अलावा जैसे अब कोई आप स्पेशल इंजीनियरिंग का एग्जाम हो गया, तो उसके लिए आपको डॉस बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ती है, उसके लिए बुक्स होती है, आपको सब प्रैक्टिकल करनी पड़ती है। अदरवाइज जो कंपिटिशन एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, इसे बाहर नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो ये डॉस हो गया, इसके फीचर्स हो गए, स्टार्टिंग का हिस्ट्री हो गया। अगली जो क्लास है उसमें हम करेंगे इसके इंटरनल कमांड्स, और उसके अगली क्लास में करेंगे एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज कमेंट में भी लिखिए, और एक लाइक बटन को भी क्लिक करिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।